हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, नाम जप करते रहना सबके सब। और अभी हम वृंदावन धाम से आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, राधे राधे हरे कृष्णा। तो हम हैं वृंदावन धाम में, और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम एक दिन के लिए वृंदावन धाम में आए तो हम कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है कि हम एक दिन में, अगर हमारे पास सिर्फ एक दिन है और हम सिंगल डे के लिए वृंदावन धाम आए दर्शन करने के लिए, तो हम कहाँ कहाँ जगह दर्शन कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ और यही बताने वाला हूँ। तो अभी बज रहे हैं 7 और मैं जा रहा हूँ इस्कॉन मंदिर। अभी मैं गौरी गोपाल आश्रम, जो कि परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है, यहाँ से निकला हूँ और सीधा हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे। वहाँ पर आरती हो रही होगी इस वक्त। उस आरती के बाद फिर मैं आगे का शेड्यूल आपको बताऊंगा। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री राधे श्याम। तो हम इस्कॉन के पास पहुँच ही गए हैं और पीछे से गेट नंबर 2 से आप एंट्री कर सकते हैं। गोविंददास के पास से भी एंट्री है, तो वहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो कि आप लोगों ने अब इस्कॉन के दर्शन कर लिए होंगे, तो इसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं और हम बिहारी जी के पास जा रहे हैं। अभी बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं और लगभग 8-10 हो चुके हैं इस वक्त, और बिहारी जी 8:30 खुलेंगे और उसके बाद दर्शन होंगे बिहारी जी के। चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बिहारी जी की कुंज गलियों के पहले दर्शन करवाते हैं, उसके बाद बिहारी जी के दर्शन आपको करवाएंगे। राधेश, आप लोग दर्शन कर रहे हैं कुंज गलियों का बिहारी जी के पास। बिहारी जी के नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम धीरे धीरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भीड़ तो बहुत थी दर्शन के वक्त, परंतु बिहारी जी की बहुत कृपा हुई और बिहारी जी की प्रसादी। अरे कृष्णा, तो बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं, प्रसादी मिली है वहाँ से, अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद और भी दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। अभी बिहारी जी के दर्शन भी हो गए हैं आप लोगों को, अब राधा वल्लभ जी के दर्शन होंगे और सभी बोल देंगे हरे कृष्णा। एक दिन में कितने दर्शन हो सकते हैं, इसके लिए मैं पूरा ब्लॉग डालूंगा और आप लोग देख करेंगे। हरे कृष्णा राधा वल्लभ जो लाल की जय हो। राधा वल्लभ जी मंदिर और इस्कॉन बिहारी जी के दर्शन के बाद आप लोगों को आप कराए जाएंगे राधा वल्लभ जी के दर्शन, जो कि हैं बड़े दुर्लभ दर्शन। तो चलिए चलते मेरे साथ। हालत से दिख रहा होगा कि कितनी भीड़ है आज मंदिरों में, और अभी राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हो गए हैं बड़े सुंदर तरीके से, और चरणामृत मिला, प्रसाद मिला। अब हम जा रहे हैं राधिका वल्लभ जी के दर्शन करने। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा राधिका वल्लभ जी कहाँ पर है। राधा वल्लभ जी से आप बाहर निकलेंगे मेन गेट से तो बिल्कुल सीधा चले जाएगा और फर्स्ट लेफ्ट, वहाँ पर राधिका वल्लभ जी गली में ही है। तो मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ।
हरी बोल। तो राधिका वल्लभ जी के भी दर्शन हो गए हैं और राधिका वल्लभ जी से हमें मिली है प्रसादी। तो अब हम जा रहे हैं राधा रमण जी के दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ से थोड़ी सी दूर है और आपको राधा रमण जी के भी दर्शन हम करवाएंगे। श्राधे श्याम। तो ये प्रभु जी आज हमारे ले रहे हैं लड्डू गोपाल और तैयार हो रहे हैं उनके लड्डू गोपाल। आज उसके बाद आपको राधा रमण जी के दर्शन करवाएंगे हम। तो बोल दो राधे 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 राधे। तो हम पहुंच गए हैं राधा रमन जी के मंदिर। थोड़ी सी ब्रेक लग गई थी हमारे दर्शनों में क्योंकि एक प्रभु जी का कॉल आ गया था। उन्होंने बोला कि मेरे लिए ठाकुर जी लेने हैं तो उनको शायद बिहार लेके जाने हैं, तो उनके लिए हमने ठाकुर जी भी ले लिए और अभी हम मैं राधा रमन मंदिर पहुंच चुका हूं। तो आप लोगों को दर्शन करवाता हूं। बोलो राधा रमन जू लाल की जय। तो राधा रमन जी के दर्शन हो गए। राधा रमन जी के दर्शन करके जैसे ही आप राधा रमन जी के प्रवेश द्वार से बाहर एग्जिट करेंगे ना, तो वहाँ से आपको राइट की तरफ मुड़ना है सीधे हाथ में। तो सीधे हाथ पे जैसे ही मुड़ेंगे थोड़ी सी दूरी पे, मतलब 50 से 100 मीटर की दूरी पे गोकुल आनंद देव जी का मंदिर है। तो बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने, तो आप लोग वहाँ भी दर्शन करने जाया कीजिए। तो अभी मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ। श्री राधे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर मंदिर में, गोकुलानंद मंदिर में। तो आप लोगों को मैं दर्शन करवाता हूँ। श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्री राधे श्याम। तो लीजिए यमुना मंदिर है ये, यमुना जी के दर्शन कर लीजिए यमुना मैया। तो हम केशी घाट में हैं और यमुना मैया के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो राधा रमण जी के बाद गोकुल आनंद देव जी के बाद अब हम आ गए हैं केशी घाट यमुना जी के दर्शन करने। जब भी यमुना महारानी के दर्शन करने आए तो पहले प्रणाम करें, फिर आशीर्वाद ले, आचमन करें और बोले यमुना महारानी जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ राधा दामोदर मंदिर। तो आपको राधा दामोदर के भी दर्शन करवा देता हूँ मैं अब। और अभी 10:30 हो चुके हैं और देखते हैं अभी और कितने दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि कुछ काम भी आ गया एक छोटा सा, और कोशिश है और दर्शन आपको करा पाऊँ। हरे कृष्ण। हम पहुँच चुके हैं श्री श्री राधा दामोदर देव जी महाराज के मंदिर में, दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। चलिए चलिए मेरे साथ। हरे कृष्णा। तो हम हैं अभी राधा दामोदर जी के मंदिर में। तो यहाँ की महिमा और मान्यता क्या है? जो लोग गोवर्धन की प्रतिमा नहीं दे पाते हैं और जो मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और 4 प्रतिमा देते हैं, तो गोवर्धन की प्रतिमा के समान माना जाता है। तो आप लोग ज़रूर आएँ और दर्शन ज़रूर करें। हरे कृष्णा। तो ये हैं राधा दामोदर जी मंदिर के जस्ट पीछे श्री पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल। दामोदर जी के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने। तो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, थोड़ा चढ़ना पड़ता है, तो आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो हम आ गए हैं राधा मदन मोहन जी के मंदिर पर और आप लोगों को भी मैं दर्शन करवा देता हूँ। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की जय।
तो है, कहाँ से जाएगा? ये सामने सामने बंदर है ना, इसलिए सीधा। ये किसका है? ये हमारा नहीं। के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए गौशाला। इस्कॉन की गौशाला आप लोग दर्शन कर सकते हैं गौ मैया के। तो एक दिन में हम ये सारे दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास समय कम है और वृंदावन में सिर्फ एक ही दिन आए हैं आप दर्शन करने के लिए, तो आप सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक इतने दर्शन कर सकते हैं। और आइए वृंदावन धाम और आनंद लीजिए वृंदावन धाम का, ब्रज का, और कृपा लीजिए हमारे श्यामा श्याम की। अरे बोल राधे राधे। फाइनली अब भूख लग पड़ी है। हरी बोल, हरी बोल, राधे राधे।